सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए मैंने जो भी टूल्स यूज़ किए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते फोन का स्क्रीन पर ओपन करेंगे कैनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो मैंने कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ क्रिएट न्यू का जो ऊपर में ऑप्शन आ रहा है तो इस पर आपको सिंपली टैप कर लिया। टैप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे रेस्यू आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसमें से आपको 900 वाला रेस्यू सेलेक्ट कर लेना है। 900 का रेस्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, देन इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी ईमेल से सेलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स उससे पहले यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडिटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, देन इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन का जो ऑप्शन आ रहा है इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको 2.5 या 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए ठीक रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बैक आ जाइए। बैक करने तो फ्रेंड्स आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी। वैसे मैंने जो भी इमेज यहाँ पे यूज़ किया उसका लिंक आपको दे दिया है, तो चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी इमेज रखे, तो बट यहाँ पे हम वही इमेज सेलेक्ट करेंगे जिसका फेस यहाँ पे सामने है, ठीक है। फेस जिसका एकदम सेंटर में है उसी का इमेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 51 सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो फिर सभी इमेज एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, कोई इमेज ज़्यादा कट तो नहीं रहा है। जो इमेज ज़्यादा कट रहा होगा उसे आप या तो एडजस्ट कर लीजिएगा या फिर हटा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली इमेज देख सकते हैं सेंटर से काफ़ी ज़्यादा अलग था, तो मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं ये क्लियर स्क्रीन पर आ गया। इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी इमेज होगी उसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये वाली इमेज है तो इस पर क्लिक करें, ट्रिमर बॉल में डबल लेयर्स वाला ऑप्शन इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि एकदम फेस इसका दिखे क्लियर, ठीक है। तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका यहाँ पे एक थोड़ा और इमेज कट रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, आप राइट क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स सभी इमेज का एकदम फेस अब क्लियर दिख रहा है। तो अब आपको इस पर एक इफेक्ट देना है, तो फ्रेंड्स ये प्लस वाला जो आइकन है इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने दे यहाँ पे जूम स्लाइड का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स ये वाला बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो जूम स्लाइड पर क्लिक करेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फर्स्ट वाला यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वन इस तरह से आता है और राइट क्लिक करेंगे, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और जूम स्लाइड पर जाएंगे, इसका सेकेंड वाला सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, राइट क्लिक कर लेंगे। तो यहीं पर यही आपको करना है, 1 2 1 2 करना है। ये 1 पहले लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है। इसी तरह से आपको सारे पे जितने भी इमेज आप सेलेक्ट किए सभी पे इफेक्ट दे देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से दे देता हूँ फ्रेंड्स। जितना आप इमेज पे इफेक्ट देंगे वो साइड में आपकी इमेज की टाइमिंग जो है उतना कम होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 40 पे आ गया, तो इसी तरह से ये कम होता जाएगा। सारे इमेज पे आप इफेक्ट दे देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। 51 था, आप देख सकते हैं 37 हो चुका है। तो इसी तरह से इसका टाइम यहाँ पर कम होता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सभी इमेज पे इफेक्ट दे दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइमिंग है 2:27। तो हम 30 सेकेंड तक का स्टेटस बनाते हैं, ये सही है, इतना रहने दीजिएगा। इसके बाद इस पर एक इफेक्ट देना है, तो लेयर्स पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट्स में जाइए। इफेक्ट्स में जाने के बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बीजेंट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अगर डाउनलोड करूँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि नेटवर्क यहाँ काफ़ी वीक रहता है। तो फ्रेंड्स इसे स्क्रॉल करके बीजेंट लेने के बाद इसे स्क्रॉल करके आगे तक कर लीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से जूम कीजिएगा, पूरे स्क्रीन पर कर लीजिएगा तो इस तरह से दिखेगा। अब इसे एडजस्ट करने के लिए सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कीजिएगा, सॉफ्टनेस को भी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा शेडो आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतना सही लग रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखेगा, तो जो हम जो इस पर इफेक्ट देंगे वो इफेक्ट अच्छे से दिखेगा। अब लेयर्स पर क्लिक कर लीजिए, मीडियम में जाइएगा, मीडियम में जाने के बाद डाउनलोड में चले जाइएगा। और फ्रेंड्स डाउनलोड में मैंने एक तो वीडियो का लिंक दिया था आपको, तो उस वीडियो को आपको सिंपली ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद री इनकोडेड का ऑप्शन आएगा, तो इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा स्क्रॉल लोडिंग लेगा और यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाएगा, देख सकते ये हो गया।
तो फ्रेंड्स ये 15 ही सेकंड का है, तो इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिमर को बोले फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है। अब यहाँ से बैक आना है, बैक आना नीचे स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा, इसे आपको स्क्रीन कर देना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब राइट क्लिक कीजिएगा, फिर से नेक्स्ट इसे पर क्लिक कीजिएगा, देन इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लीजिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसे स्क्रॉल करके आपको लास्ट तक इस तरह से एडजस्ट कर देना है, तो अब आपके पूरे वीडियो पर हो जाएगा, जितना टाइम का आपका वीडियो होगा उतना टाइम, ठीक है, ये हो गया कम्प्लीट। इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं लगा हुआ है, तो आपको सॉन्ग अपने मनपसंद सॉन्ग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऑडियो में जाइएगा, ऑडियो में जाने के बाद फ्रेंड्स डाउनलोड में सिंपली चले जाना है फोल्डर में। अब यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, जो भी सॉन्ग आप लेना चाहते हो उसे सिंपली ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सॉन्ग काफ़ी सारे मेरे पास, बट मुझे देखना होगा कि कौन से सॉन्ग यहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ ताकि मैं अच्छे से ऑडियो को यहाँ पे सुनकर ऐड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग यहाँ पे रखा था, आप देख सकते हैं ये वाला, तो मैं इस सॉन्ग को ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ये सॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं 27 सेकंड का है, यहाँ पे 30 सेकंड ये वाला सॉन्ग जो है सो 27 सेकंड का ही है। तो सॉन्ग पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे बराबर कर लेते हैं ऊपर वाले इमेज को, जो बैकग्राउंड वाला इमेज है उसे क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी हो उसे कट करके हटा देंगे और राइट क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्ट भी लग चुका है, सॉन्ग भी लग चुका है, आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो इस तरह से काफ़ी फास्ट यहाँ पर मूव कर रहा है, तो आप चाहे तो इतना फास्ट रहने दे सकते हैं, या फिर इमेज को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो ये इतना फास्ट मूव नहीं करेगा, बट ये अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। फर्स्ट वाले इमेज पर क्लिक कीजिए, क्लिप ग्राफिक्स में जाइए, फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एक इफेक्ट ले लीजिएगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरह का इफेक्ट आप ले लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टेटस बन चुका है, अब सिंपली नीचे जो देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे शैडो का जरूरत है, तो शैडो वाला अगर आपके पास पीएनजी हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, फिर लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स इमेज में जाइएगा, यहाँ पे ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉपिंग पे जाकर इसे क्रॉप करके छोटा कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसे इसका लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर दीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसे मास्क को ऑन कर दीजिएगा और यहाँ फेदर को बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखने लगे, और राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद फिर से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे इस तरह से जूम कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने कर दिया, यहाँ पे इतना पे जूम कर लीजिएगा और थोड़ा सा फेदर को अब और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इतना ये शेडो दिखेगा, इतना पे सही रहेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब 3 डॉट पे क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देना, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे जो इंडिया और फ्लैग है तो ये दिखने लगेगा अच्छी तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, तो वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, आप सिंपली ऐसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एरो जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चल फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।